हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर को हम लोग शॉर्ट में फेमा 99 के नाम से भी जानते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि आखिर ये चैप्टर, आखिर ये फेमा एक्ट जो है वो क्यों आया था, किस ईयर में आया था। इससे पहले फेरा एक्ट चला करता था। मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई थी और एक कहानी, एक मूवी की स्टोरी भी सुनाई थी, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर हम ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि आखिर फेमा क्या है। इससे पहले फेरा एक्ट चलता था, वो 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1974 से अप्लाई हो गया था। और लेकिन 1991 के बाद में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए, ग्लोबलाइजेशन आ गया, फॉरेन कंट्रीज इंडिया में ट्रेड करने लगी, तब हमारे इंडिया को एक ऐसे एक्ट की जरूरत थी, एक ऐसे कानून की जरूरत थी जो कि ग्लोबलाइजेशन के नजरिए से बनाया गया हो। क्योंकि जो फेरा एक्ट 1974 में आया था वो ग्लोबलाइजेशन से पहले आया था, वो सिर्फ इंडिया के लोगों के ऊपर रूल्स रेगुलेशंस बनाता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन आ जाने के बाद में हमें एक ऐसे एक्ट की जरूरत थी जो कि सिर्फ इंडिया के ऊपर रूल्स रेगुलेशंस ना बनाता हो, बल्कि इंडिया और जो फॉरेन कंट्रीज है उन सबको मिलकर रूल्स रेगुलेशंस बनाता हो। एक कंप्लीट एक्ट की जरूरत थी, एक कंपेटेबल एक्ट की जरूरत थी, तो फेमा एक्ट लाया गया 1999। मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर कोई भी पर्सन अगर इंडिया से फॉरेन में या फॉरेन से इंडिया में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, अगर कोई भी पर्सन इंडिया से फॉरेन में पैसा भेजता है या फॉरेन के अंदर कोई चीज परचेज करता है या फॉरेन से इंडिया में पैसा वापस मंगवाता है या कोई भी चीज परचेज करता है, तो उसके ऊपर फेमा एक्ट एप्लीकेबल होता है। ये चीज भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए थे, इसके हमने फीचर्स पढ़ लिए थे, और उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि अब ये एक्ट जो है वो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होता है, और इसके हमने कुछ बेनिफिट्स भी देखे। स्टूडेंट, यहां तक हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आप लोगों के पास में नोट्स भी हैं, अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस परचेज की हुई हैं तो आप लोगों के पास में नोट्स हैं, और अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रही हैं तो फिर उस केस में स्टूडेंट्स आप लोग ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पे आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे इस चैप्टर। चलिए, अब हम चलते हैं हमारी आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन, क्या क्या फेमा एक्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स। अब बच्चों, इस चैप्टर के अंदर सेक्शंस पढ़ने के लिए, इस चैप्टर के रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशंस पर जाने के लिए हमें पहले कुछ शब्दों के मीनिंग समझने होंगे, हमें कुछ वर्ड्स के मीनिंग समझने होंगे, मतलब हमें कुछ डेफिनेशंस पहले पढ़नी होंगी। अगर ये डेफिनेशंस मैं आपको पहले नहीं पढ़ाता हूं बच्चों, और अगर मैं डायरेक्टली आपको सेक्शंस पर लेकर चला जाता हूं, डायरेक्टली रूल्स रेगुलेशंस पे लेकर चला जाता हूं, तो होगा क्या कि उस वक्त फिर मुझे हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग समझाना पड़ेगा, वो बहुत आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उससे बेहतर, उससे अच्छा है कि एक बार हम जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, पहले उनका अलग से मीनिंग समझ लें, ताकि हम जब आगे अपने सेक्शंस को, मेन सेक्शंस को पढ़ेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाएगा कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो शुरू करते हैं, आज हम शुरू कर रहे हैं डेफिनेशंस। सबसे पहली डेफिनेशन देखिएगा, पर्सन। एक बार मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा, बोला सर आपने बार बार ये बोला कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया से फॉरेन में, अगर कोई भी पर्सन इंडिया से फॉरेन में पैसा भेजना चाहता है या फॉरेन के अंदर कोई सामान परचेज करना चाहता है या फिर फॉरेन से पैसा मंगाना चाहता है या फॉरेन से कोई सामान मंगाना चाहता है,
तो उस केस में फेमा एक्ट एप्लीकेबल होता है, रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि पर्सन का मीनिंग क्या है, पर्सन का मतलब क्या है। देखिए बच्चों, पर्सन का मतलब इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन तो है ही, मतलब अगर आज मैं या आप, हम इंडिविजुअल लोग, नेचुरल लोग, अगर फॉरेन से पैसा मंगाना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं या फॉरेन के किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे ऊपर तो फेमा एक्ट एप्लीकेबल होगा। हम तो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन। उसके अलावा आर्टिफिशियल पर्सन भी इस डेफिनेशन में आते हैं। ऐसा नहीं है बच्चे कि आज अगर अंबानी साहब, आज अगर अंबानी साहब या रतन टाटा जी या हमारे जेठालाल भैया अगर फॉरेन के अंदर पैसा भेज रहे हैं या मंगा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर तो फेमा एक्ट एप्लीकेबल है, नो डाउट। वो तो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। उनके ऊपर फेमा एक्ट एप्लीकेबल है, रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, टर्म्स कंडीशंस एप्लीकेबल है, नियम शर्तें कानून लागू है। उसके अलावा अगर रिलायंस अपने नाम से फॉरेन से पैसा मंगा रही है या भेज रही है, टाटा कंपनी अगर फॉरेन से पैसा मंगा रही है या भेज रही है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अगर फॉरेन से पैसा मंगा रहा है या भेज रहा है, उसके ऊपर भी फेमा एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो जब भी मैं आपसे इस चैप्टर के अंदर पर्सन शब्द का यूज करूंगा, इस एक्ट में जब भी पर्सन शब्द का यूज किया जाएगा, इस वर्ड का यूज किया जाएगा, याद रखिएगा सिर्फ इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन के लिए नहीं बोला जा रहा है, बल्कि आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी के लिए, बॉडी कॉर्पोरेट के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, एजेंसीज के लिए, ब्रांचेस के लिए भी बोला जा रहा है। तो याद रखिएगा फेमा एक्ट के अंदर जो पर्सन की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन इंक्लूड नहीं होता, वो तो होता ही है, बल्कि उसके अलावा आर्टिफिशियल पर्सन्स भी इंक्लूड होते हैं, कंपनी भी इंक्लूड होती है, एजेंसी, ब्रांच, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, हर चीज, हर बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड होता है। अगर रिलायंस, अगर टाटा, अगर एयरटेल, अगर वोडाफोन, अगर लिनोवो इंडिया में फॉरेन से फॉरेन करेंसी में पैसा मंगा रही है या भेज रही है या इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो भी पर्सन है, हम इंडिविजुअल लोग तो पर्सन हैं। तो बच्चों ये हो गई हमारी एक डेफिनेशन। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड डेफिनेशन पर। आते हैं बच्चे हम सेकंड डेफिनेशन पे, और ये है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन जो कि रहता अभी किसी दूसरी कंट्री में, कोई पर्सन जो कि रहता अभी किसी दूसरी कंट्री में है लेकिन उसका ओरिजिन इंडिया में ही हुआ है। इसका मतलब कैसे, अगर कोई पर्सन जो कि इस वक्त चाहे से किसी भी दूसरी कंट्री में रह रहा है लेकिन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में नहीं, इनके अलावा, क्योंकि हमारे दुश्मन है, अगर कोई भी पर्सन बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा किसी भी दूसरी कंट्री में रह रहा है, किसी भी दूसरी कंट्री में अगर रह रहा है कोई भी पर्सन, तो उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि वो इंडिया का ही ओरिजिन है, अगर वो एक भी कंडीशन पूरी कर देता है। क्या कंडीशन है, उसके पास में कभी इंडिया का पासपोर्ट था। बच्चों जब इंडिया का पासपोर्ट आपको लेना हो ना, तो ऐसे ही नहीं मिलता, बहुत चेकिंग होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं और प्रूव करना पड़ता है आप इंडिया के रेजिडेंट हो, सिटीजन। तो यही बात बोल रहा हूं कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लिया जाएगा किसी भी बंदे को, चाहे से वो इस वक्त किसी भी दूसरे देश में रह रहा है, अगर उसके पास में कभी पहले इंडिया का पासपोर्ट अगर था, या उसके पास नहीं था तो उसकी स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड के पास में था।
या तो खुद के पास में, उसके पास में इंडिया का पासपोर्ट है, खुद के पास नहीं है, खुद के नाम पर नहीं है तो उसकी वाइफ या हस्बैंड के नाम पर, या फिर या तो ये कंडीशन फॉलो हो जाए, फुलफिल हो जाए, या फिर उस बंदे के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उनके पास में इंडिया की सिटीजनशिप थी, या फिर उसके स्पाउस वाइफ या हस्बैंड के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के पास में सिटीजनशिप थी। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए जेठालाल यूएसए में रहता है। अब हम इसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बनाना चाहते हैं। पहली कंडीशन, ये किसी भी कंट्री में रहता हो फॉरेन में, बांग्लादेश और पाकिस्तान में नहीं रहता, तो यूएसए में रहता है, ठीक। अब कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए, या तो ये खुद, इसके पास में इंडिया का पहले पासपोर्ट और खुद के पास में नहीं था तो इसकी स्पाउस, स्पाउस कौन है, इसकी दया, उसके पास में इंडिया का पासपोर्ट था। या तो इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए, या फिर जेठालाल के पेरेंट्स मतलब चंपकलाल और उसकी वाइफ, या ग्रैंड पेरेंट्स चंपकलाल के भी पिताजी, उनके पास में इंडिया की सिटीजनशिप थी, या फिर दया के पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स उनके पास में इंडिया की सिटीजनशिप, इनमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो जेठालाल को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लिया जाएगा। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, आपने बोला पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है कि जो इस वक्त रहता किसी दूसरे देश में है लेकिन उसका ओरिजिन, उसका उत्पाद, उसकी जुड़ाव उसका वो इंडिया से ही है, जनरेशन उसका इंडिया से ही। अब हमने उसके लिए पढ़ा कि वो किसी भी देश में रहता है, बांग्लादेश या पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसके खुद के पास में इंडिया का पासपोर्ट था या उसके स्पाउस के पास में था, उसके खुद के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन थे या उसके स्पाउस के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन थे, इनमें से कोई एक भी कंडीशन पूरी हो जाती है, कोई सिंगल कंडीशन भी अगर पूरी हो जाती है तो उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लिया जाए। समझ में आ गया? तो सर अभी तक हमने दो डेफिनेशन पढ़ ली। देखिए बच्चों, रिवीजन आप लोग जरूर कीजिए। आप लोगों को पता है कि हम जब भी पढ़ते हैं तो हम दो चीजें जरूर करते हैं, पहला हम बार बार रिवीजन करते हैं और दूसरा बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम साथ में सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्लास में तो हमने इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था और अभी डेफिनेशन देख रहे हैं। फिर इसके बाद जब हम एक्चुअल में ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे सेक्शंस के साथ में, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉल्व करते हुए चलेंगे जैसा हम हर चैप्टर में करते हैं। तो एक बार हमने दो डेफिनेशन पढ़ी, रिवाइज कर देता हूं। अभी तक हमने एक तो पढ़ा है पर्सन, पर्सन के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन नहीं आता बल्कि बॉडी कॉर्पोरेट भी आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आता है, कंपनी भी आती है, बॉडी कॉर्पोरेट भी आता है, एजेंसी भी आती है, ब्रांच भी आता है, पार्टनरशिप फर्म भी आती है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है कि पर्सन चाहे से किसी दूसरे देश में रहता है, बांग्लादेश या पाकिस्तान में नहीं रहता हो और कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, या तो उसके खुद के पास में इंडिया का पासपोर्ट था या उसकी स्पाउस के पास में वाइफ या हस्बैंड के पास में इंडिया का पासपोर्ट था, या उसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इनमें से किसी के पास इंडिया की सिटीजनशिप थी, या उसके स्पाउस के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के पास में इंडिया की सिटीजनशिप थी। आगे चल, अच्छा एक मेरे से बहुत बार बच्चा ये बोलता है कि सर अगर मान लो कोई बंदा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन गया, इन कंडीशन में से किसी में फॉल हो गया, वो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो उससे होगा क्या? अरे क्या होगा वो आगे पढ़ाऊंगा ना मैं, जब सेक्शंस पढ़ेंगे तब समझेंगे ना कि क्या होगा, क्या फायदे मिलते हैं, क्या रेस्ट्रिक्शन है। अभी तो डेफिनेशन समझ लो कि होता कौन, फिर आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब हम चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ही इजी डेफिनेशन, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इसको बच्चों हम लोग शॉर्ट में कुछ इस तरह से लिख देते हैं, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को देखिए हम लोग शॉर्ट में कुछ इस तरह से लिख देते हैं।
पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब वो कौन होता है, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी पर्सन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब जो ईयर निकल गया उसमें, अगर 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा था तो फिर वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लिया जाता है। देखो बच्चे, सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए, टैक्स में आपको मैंने लॉ में भी पढ़ाया है फर्स्ट चैप्टर में और टैक्स में भी आपने पढ़ा है कि दो शब्द होते हैं, एक होता है सिटीजन और बच्चे एक होता है रेजिडेंट। ये दोनों शब्द अलग हैं। सिटीजन का मतलब तो होता है नागरिकता, कि आप उस देश के नागरिक हो, आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, और रेजिडेंट का मतलब होता है कि आप वहां रहते हैं। समझ रहे हो बच्चे? तो रेजिडेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रेजिडेंट कब मान लिया जाता है, जैसे अभी करंट ईयर कौन सा चल रहा है बच्चे, अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23, ठीक है। अब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया बच्चे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हो गया 2021-22। तो बच्चे ये जो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर है, 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर है ना, उसके अंदर स्टूडेंट्स 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई पर्सन 182 डेज या उससे ज्यादा अगर इंडिया में रहा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो वो इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाता है। स्टूडेंट बोलता है समझ गया, लेकिन सर क्या इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, क्या सर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर पर्सन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा था फिर भी उसे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाएगा? हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर अगर कोई पर्सन चाहे से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा था, लेकिन अगर वो फॉरेन में है, फॉरेन जा रहा है, क्यों, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी लेने के लिए या अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए या वेकेशन छुट्टियां मनाने के लिए या और किसी पर्पज की वजह से अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जा रहा है, सर्टेन नहीं है वापस कब आएगा, अगर कोई पर्सन जो चाहे से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा था लेकिन अगर अब वो इनमें से किसी भी पर्पज के लिए फॉरेन जा रहा है, नौकरी लेने के लिए जा रहा है, बिजनेस पर्पज के लिए जा रहा है, वेकेशन की वजह से जा रहा है, अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फिक्स नहीं है वापस कब आएगा, अगर इसके लिए वो फॉरेन में जा रहा है तो फिर उसको रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाता चाहे से वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज रहा है। देखिए ये बात मैंने यहां एग्जाम्पल से भी समझाई है। ये है राहुल द्रविड़, ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 220 डेज इंडिया में रहे थे, मतलब 100 डेज ज्यादा, 100 दिन ज्यादा। हमारी तो रिक्वायरमेंट कितनी है, 182 डेज है ना, ये यहां पर इसमें मिस थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे सही कर लेंगे, नोट्स में सही है ये, है ना, 182 डेज और मोर है, ये मोर देन 182 डेज नहीं है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा आप इंडिया में रह रहे थे। राहुल द्रविड़ तो 282 डेज रहा था लेकिन वो बिजनेस के लिए फॉरेन में जा रहा है तो फिर उसे पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बोला जाएगा, इन इंडिया नहीं बोला जाएगा। या फिर दूसरा केस, युवराज सिंह, ये 190 डेज रहे थे तो 182 डेज तो फुलफिल हो रहा है लेकिन ये वेकेशन छुट्टियां मनाने के लिए फॉरेन में जा रहे हैं तो इन्हें भी PROI बोला जाए। तो बच्चों अभी तक मैंने आप लोगों को दो डेफिनेशन पूरी पढ़ा दी, ये थर्ड खत्म नहीं हुई है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में अभी और पढ़ाऊंगा मैं आपको। अभी बच्चों और पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले ये देखो, मैंने आपको बोला
कि पर्सन का मतलब कौन है, इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन जो है वो भी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो भी पर्सन है, समझ रहे हो। उसके अलावा बच्चों आपका ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका मतलब क्या होता है कि वो बंदा जो इस वक्त किसी भी देश में रहता है, बांग्लादेश या पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, उसके खुद के पास में पासपोर्ट है या उसके स्पाउस के पास, उसके खुद के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन थे या उसके स्पाउस। उसके बाद में पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो, लेकिन अगर इनमें से किसी भी पर्पज के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हो तो फिर आपकी 182 डेज वाली काम भी नहीं आएगी, तब भी आप रेजिडेंट नहीं माने जाओ। लेकिन बच्चे बड़े ध्यान से सुना, इंडिया का बंदा इंडिया से बाहर जा रहा है इनमें से किसी भी पर्पज के लिए तो उसे रेजिडेंट नहीं मानते, लेकिन बाहर का बंदा, फॉरेन का बंदा इंडिया में आ रहा है इनमें से किसी भी पर्पज के लिए उसे रेजिडेंट मान लेते। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक तरफ है राहुल द्रविड़ और एक तरफ है कौन, कोई दूसरा ले लो, कौन सा अच्छा प्लेयर है आपका, रिकी पॉन्टिंग, जानते हो ना रिकी पॉन्टिंग, वो ऑस्ट्रेलिया का था पहले, बहुत अच्छा क्रिकेटर था। राहुल द्रविड़ अगर इनमें से किसी भी पर्पज के लिए जा रहा है तो उसे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाएगा, लेकिन रिकी पॉन्टिंग बाहर का आदमी इंडिया में आ रहा है इनमें से किसी भी पर्पज के लिए उसे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, ऐसा क्यों? बहुत सिंपल है, ऐसा क्यों? देखो बच्चे, गवर्नमेंट हमारी इंडियन गवर्नमेंट ये बोलती है कि यार तुम इंडिया में पैदा हुए, तुमने इंडिया में पढ़ाई लिखाई करी, तुमने इंडिया के सभी रिसोर्सेज यूज लिए, हमारे यहाँ के टीचर्स से पढ़े, हमारे यहाँ का खाना खाया, पैसा दिया आपने उसका, लेकिन रिसोर्सेज यूज करे आपने। अब जब कमाई की बात आई तो आप फॉरेन चल दिए, इससे तो हमारे देश की नाक कट रही है, इंडिया की नाक कट रही है, और जिस दूसरी कंट्री में आप जा रहे हो उसकी गुडविल बढ़ रही है, लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, जमाना क्या बोलेगा, दुनिया तो ये बोलेगी कि देखो इंडिया कैसी कंट्री है, अपने यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं दे पा रही है, या अपने यहाँ के लोग, इंडिया के लोग इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकते, या इंडिया के अंदर घूमने की जगह नहीं है, वेकेशन के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, समझ रहे हो बच्चे, या किसी और पर्पज के लिए जा रहे हैं अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडिया की गवर्नमेंट बोलती है कि यार आप इंडिया में रहे 182 डेज वो सब ठीक है, पर अब आप जब कमाई की बात आई, कमाने की बात आई, अब फॉरेन में जाकर कमाओगे, अब उस फॉरेन कंट्री की तो गुडविल बढ़ रही है कि यार वो कंट्री तो बहुत अच्छी है, वहां तो बाहर बाहर से लोग आते हैं और यहां पर कमाई करने के लिए यहां तो इनकम बहुत ज्यादा है। अब आप कमाई भी करोगे तो उस कंट्री की उस कंट्री की नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाओगे क्योंकि आपका पैसा वहां के टैक्स में लगेगा, जबकि आपको इंडिया में कमाई करनी चाहिए थी। गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर से लोग इंडिया में आए, इंडिया के रेजिडेंट बढ़ जाए, इंडिया के अंदर इनकम अपॉर्चुनिटीज बढ़े, बाहर के लोग इंडिया में टूरिज्म के लिए आए, बाहर के लोग इंडिया में बिजनेस खोले, मेक इन इंडिया और ये सब चीजें। अगर इंडिया का बंदा बाहर जा रहा है, गवर्नमेंट नाराज है आपसे, गवर्नमेंट बोल रही है हम आपको रेजिडेंट नहीं मानेंगे, बाहर का बंदा इंडिया में आ रहा है, बोल रहा है मैं यहाँ बिजनेस करूंगा, मैं यहाँ अनसर्टेन टाइम के लिए आ रहा हूँ, हमारे लोग बोलते हैं हाँ एम्प्लॉयमेंट करो, वेकेशन करो, बिजनेस करो, अनसर्टेन टाइम के लिए आओ, आपको रेजिडेंट मानेंगे, आपको फायदे देंगे, अतिथि देवो भव, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारे लोग बाहर जाए। अगर इंडिया का बंदा बाहर जा रहा है उसे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाएगा, लेकिन बाहर का बंदा अगर इनमें से किसी भी पर्पज के लिए इंडिया में आ रहा है उसे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लिया जाए। अब दो बातें समझ में आ गई मेरे बच्चों, ठीक है। तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के मैंने आपको अभी तक एक पॉइंट पढ़ाया जिसमें दो अलग अलग चीजें समझाई, अब आगे चलते बच्चों। मैंने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी का नाम मैंने रखा मोहित
बंसल क्लासेस, ये मैंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया मेरे बच्चों, मोहित बंसल क्लासेस। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये जो मैंने मेरी कंपनी का नाम रखा है मोहित बंसल क्लासेस, ये कहाँ इनकॉर्पोरेट करी मैंने? इंडिया में। तो ये क्या बोली जाएगी? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, क्योंकि पर्सन का मतलब तो मैंने पहले ही बताया था, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, आर्टिफिशियल भी होता है। तो अगर इंडिया के अंदर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर है, वो भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। उसके अलावा नेक्स्ट चलते, देखिए एक कंपनी है मारुति सुजुकी, जापान की कंपनी, उसकी दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच इंडिया में है, एक ब्रांच दुबई में है। लेकिन दुबई वाली ब्रांच को इंडिया कंट्रोल करता है, तो जो ब्रांच दुबई में है उसको भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाए। मैं दोबारा से बोलता हूं, एक ब्रांच है जो कि फॉरेन के अंदर है, कहां? दुबई में, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया का बंदा, इंडिया का पर्सन कंट्रोल कर रहा है। तो ये वाली ब्रांच को भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। देखो लिखा हुआ है, कोई भी ऑफिस या ब्रांच या एजेंसी जो इंडिया से बाहर है लेकिन कंट्रोल हो रही है इंडिया के रेजिडेंट से। नेक्स्ट, इंडिया में कोई ब्रांच है, इंडियन ब्रांच, उसको कंट्रोल कर रहा है फॉरेन का कोई बंदा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी हम इसको हमारा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। मतलब देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है चितवी मेरी पटवी। अगर बाहर कोई ऑफिस है, हमारा इंडिया का बंदा कंट्रोल कर रहा है, हम उसे मानेंगे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। यहाँ का ऑफिस बाहर का कोई बंदा मैनेज कर रहा है तो भी हम उसे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। तो बच्चों अभी तक मैंने आप लोगों को तीन कंडीशंस, तीन डेफिनेशन पढ़ा दी, मेरे ख्याल से तीनों आपको समझ में आई होगी। देखिए रिविजन बहुत जरूरी है बच्चों, रिविजन करना है ना, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहिए आपको थ्योरी सब्जेक्ट। देखिए अब हम देख रहे हैं पर्सन, पर्सन का मतलब क्या होता, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन, सब लोग पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी बंदा जो बांग्लादेश का, पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, उसके अलावा किसी दूसरी कंट्री का हो, जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट है या उसके स्पाउस के पास है, वो खुद के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन थे या उसके स्पाउस के थे। फिर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में मैंने बताया जो 182 डेज इंडिया में रहा हो लेकिन इनमें से किसी पर्पस के लिए गया है तो नहीं माना जाएगा, लेकिन बाहर से अगर आया है तो मान लिया जाएगा। इंडिया के अंदर कोई भी ब्रांच ओपन हुई है तो मान लिया जाएगा, फॉरेन की ब्रांच जिसको इंडिया का रेजिडेंट मैनेज कर रहा है तो मान लिया जाएगा, इंडिया के अंदर कोई ब्रांच है जिसको फॉरेन का बंदा मैनेज कर रहा है कोई फर्क नहीं है, उसे भी हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माने। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, एक बार एक स्टूडेंट मुझसे ये बोला, सर आपने हमें पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया समझा दिया, सर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कौन होता है ये समझा दो। मैंने उससे बोला, यार तुम क्या बच्चे जैसी बात करते हो, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये एक घर है, घर है किसी का ही, और इस घर पे जाने के दो रास्ते हैं, आप इस रास्ते से नहीं जा सकते। इस बात का सिंपल मीनिंग क्या निकल रहा है कि आप इस रास्ते से जा सकते हैं, ये निकल रहा है ना। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने आपको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कौन होता है ये बता दिया, तो जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान, जो भी ह्यूमन इसकी डेफिनेशन में नहीं फॉल हो रहा है, वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया ना बाय डिफॉल्ट, क्यों दिमाग लगा रहे हो उसमें? जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। स्टूडेंट बोलता है मजा, समझ में आ गया, इजी है, इसी को लिखी आएंगे अगर हम एग्जाम में आ गए। आगे चलते, देखो बच्चे अगर इंडिया का कोई पर्सन फॉरेन में गया, वहां जाकर पैसा कमाया, फॉरेन में जाकर पैसा कमाया,
और उस पैसे को वापस लेकर आया इंडिया। इसे बोला जाता है रिपैट्रिएशन। कोई इंसान, इंडिया का इंसान फॉरेन में गया, वहां पैसा कमाया, वहां से उस पैसे को वापस इंडिया में लाया, इसे रिपेट्रिएशन बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बार की बात है, जेठालाल को ऐसा सपना आया कि यार मैं तो यहाँ मुंबई में इंडिया में रह गया, एक कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की शॉप पर, मेरा टप्पू तो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, अच्छा खासा किसी कंपनी में जॉब करे। उसके लिए जेठालाल ने टप्पू को अमेरिका भेज दिया, यूएसए। बोला यार तू बेटे वहां जा, मेहनत कर, अच्छी खासी नौकरी कर, अच्छी पोजीशन पे बैठ, मेरी तरह दुकान मत चला। टप्पू यूएसए गया, यूएसए में उसे जॉब मिल गई, वहां पर वो काम करने लगा और उसने अच्छा खासा पैसा कमाया फॉरेन करेंसी में, डॉलर्स में, अमेरिकन करेंसी में। लेकिन उसे ऐसा लगा, क्योंकि वो अच्छा लड़का है, गोकुलधाम सोसाइटी का बच्चा है, उसको ऐसा लगा कि यार मैंने पैसा कमा लिया, यार मैंने जो पैसा कमाया है वो मेरे मम्मी पापा को बेचता हूँ, दादा दादी को बेचता हूँ, जिससे वो लोग पैसे की कमी ना हो उनके पास में, और वो लोग भी थोड़ा एंजॉय करें, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने घर वालों का ध्यान रखूं। तो टप्पू ने पैसा अपने पापा को भेज दिया। इसे बोलते हैं रिपेट्रिएशन, मतलब इंडिया का बंदा फॉरेन गया, वहां से पैसा कमाया, पैसा कमाकर इंडिया में वापस लाया, दैट इज रिपेट्रिएशन। समझ में आया? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, कितना पैसा आ सकता है, क्या कंडीशंस होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ डेफिनेशंस। स्टूडेंट बोलता है समझ गया सर, और आपने जो इससे पहले वाली क्लास ली थी उसमें भी बताया था आपने, आपने हमको ये बताया था कि अगर कोई भी इंडिया का आदमी फॉरेन में पैसा भेजना चाहता है या फॉरेन में कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो गवर्नमेंट रूट से करेगा। गवर्नमेंट रूट का मतलब होता है, गवर्नमेंट ने बता रहा है कि अगर कोई भी पर्सन फॉरेन के अंदर पैसा भेजना चाहता है, फॉरेन करेंसी में पैसा भेजना चाहता है, तो उसे चेंज करना पड़ेगा करेंसी। आज जब टप्पू इंडिया से फॉरेन में, यूएसए में पढ़ने गया, तो गांधी जी रुपया लेकर थोड़ी ना गया, डॉलर लेकर गया, तो उसने वो करेंसी चेंज करवाई ना, किससे करवाई? ऑथोराइज गवर्नमेंट रूप से, गवर्नमेंट ने कुछ बैंक्स को, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये पावर दे दी है, आरबीआई बैंक को पावर दे दी है कि आप लोगों के बिहाफ पे उनका पैसा भेज सकते हो या उन्हें करेंसी चेंज करके दे सकते हो। हम उन्हें ऑथोराइज्ड डीलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड डीलर, फेमा एक्ट के अंदर। वो लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है कि आप लोगों का पैसा फॉरेन में भेज देना या करेंसी चेंज करवा देना। अगर कोई भी पर्सन फॉरेन में जाना चाहता है, फॉरेन में पैसा भेजना चाहता है, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराना चाहता है, उसे उन ऑथोराइज डीलर गवर्नमेंट रूट से ही करवाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट रूट से नहीं जाते, बल्कि पर्सनली कुछ प्राइवेट लोगों से चले जाते हैं, ये इलीगल है, इसे हवाला ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ये गलत है, ऐसा अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो ये है आपका गवर्नमेंट रूट। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, आपको मूवी की कहानी सुनाई थी नाना पाटेकर साहब की। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट। ये आपको एक एफआईपी भी दिया हुआ है, ये छोड़ो, ये हट चुका है 2017 में। नेक्स्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन। बच्चों फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसमें समझाने लायक कुछ ज्यादा होता नहीं है, लेकिन आपको लर्न करना है। पूरा चैप्टर इस डेफिनेशन को बार बार लेकर आएगा सामने, आपको अच्छे से समझना है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी भी होता है। देखो क्या होता है, बड़ी सिंपल सी चीज समझिए। मैं इंडिया में बैठा हूं, कोई बंदा यूएसए में है, कोई चाइना में, कोई जापान में, कोई यूरोप में, लंदन में,
मेरे और उनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ, मैंने उनसे कुछ खरीदा या उन्होंने मुझसे कुछ खरीदा, तो अब मुझे, मैंने खरीदा तो मैं उनको पैसा पेमेंट करूंगा उनकी करेंसी में, तो वो फॉरेन एक्सचेंज है। मैंने उनको फॉरेन करेंसी में, ये फॉरेन करेंसी मैंने उनको दे दी, ये फॉरेन एक्सचेंज है। एक होता है कि मैंने अभी उनको पैसा नहीं दिया, बट मैंने उनके नाम पे कोई चेक बना दिया, ट्रेवलर्स चेक, या मैंने ड्राफ्ट बना दिया, या मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया। तो किसने बनाया? मैंने। तो कहाँ पे ड्रॉ हुआ वो डॉक्यूमेंट? इंडिया में, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ। सपोज कीजिए मैंने ये वाटर बोतल यूएसए से खरीदी, अमेरिका से पानी बोतल खरीदी मैंने अमेरिका से, अब मुझे अमेरिका वाले को पैसा पे करना है, तो या तो मैंने उसे पैसा दे दिया, ये फॉरेन करेंसी, इसको भी फॉरेन एक्सचेंज बोला जाएगा, या फिर मैंने अभी पैसा नहीं दिया, मैंने उससे बोला कि यार इस बोतल का पैसा मैं आपको ऐसे करेंसी में नहीं दे सकता, आपको चेक दे देता हूं, वो चेक भी फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा, या फिर मैंने उनको कोई बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, प्रॉमिसरी नोट समथिंग, वो भी माना जाएगा, या फिर मैंने उनको कोई ड्राफ्ट दे दिया, वो भी फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। अब देखो, अगर मैंने खरीदा और मुझे उन्हें पेमेंट करना है, तो मैं डॉक्यूमेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो ड्रॉ कहां हो रहा है? इंडिया में। पेवल कौन सी करेंसी में होगा? फॉरेन करेंसी। अगर उन लोगों ने मुझसे सामान खरीदा, तो वो लोग मुझे या तो फॉरेन करेंसी दे दे, या वो लोग मेरे नाम पे कोई डॉक्यूमेंट ड्रॉ करते, तो वो ड्रॉ करेंगे तो कहां पे ड्रॉ होगा? उनकी कंट्री में ड्रॉ होगा, वो वहीं पे बनाएंगे ना बैठे बैठे, तो ड्रॉ हो रहा है फॉरेन कंट्री में, पेबल होगा मुझे इंडियन करेंसी। तो इसीलिए ये डेफिनेशन यहाँ पे ना, सेकंड और थर्ड पॉइंट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए कि अगर कोई भी चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी चीज मैंने इंडिया, इंडियन में अगर ड्रॉ किया है, तो मैं फॉरेन करेंसी में पेबल हूं, और अगर फॉरेन में उसे ड्रॉ किया गया है, तो फिर वो इंडियन करेंसी में पे कर। क्लियर है ये चीज? सिंपल। मैं और एग्जांपल से समझा देता हूं इसी बात को। एक सपोज कीजिए मैं मोहित बंसल, और मैंने टॉम क्रूज से कोई सामान परचेज किया, तो मैं परचेजर हूं, ये बायर हूं मैं, मैंने सामान परचेज किया और ये सेलर है, तो मैं इसको या तो फॉरेन करेंसी में पैसा दे दूंगा, तो वो फॉरेन एक्सचेंज है, या फिर मैं इसके नाम पे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देता हूं, तो ड्रॉ कौन कर रहा है? मोहित बंसल, तो ड्रॉ हो रहा है इंडिया में, लेकिन पेबल होगा फॉरेन करेंसी में, या उल्टा। क्लियर है? तो बच्चों अभी तक हमने जो डेफिनेशन पढ़ी उनको रिवाइज कर, रिवीजन इज द की। अगर आप प्रैक्टिस थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे तो रिवीजन करो। देखिए मैंने डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया पर्सन का मतलब क्या होता है। पर्सन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल पर्सन, नेचुरल पर्सन, या एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या आर्टिफिशियल पर्सन, सब लोग पर्सन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के अंदर मैंने बताया आपको, बंदा किसी भी कंट्री में रहता हो, बांग्लादेश या पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, उसके पास इंडिया का पासपोर्ट था, या उसके स्पाउस के पास में था, उसके खुद के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन थे, या उसके स्पाउस। नेक्स्ट, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में, अगर बंदा प्रीवियस ईयर में 182 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में रहा है, लेकिन अगर वो वेकेशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस के लिए या अनसर्टेन टाइम के लिए बाहर गया, तो नहीं माना जाएगा। बाहर का बंदा इनमें से किसी भी पर्पज के लिए आया तो माना जाएगा। इंडिया में कोई बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट हुआ तो माना जाएगा। फॉरेन की कोई ब्रांच है जिसे इंडिया का रेजिडेंट कंट्रोल कर रहा है तो माना जाएगा। इंडिया की कोई ब्रांच है जिसे फॉरेन का बंदा मैनेज कर रहा है तो भी उसे इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। नेक्स्ट, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो रेजिडेंट इंडिया में नहीं आता वो आउटसाइड इंडिया है। रिपेट्रिएट, बंदा इंडिया का फॉरेन गया, पैसा कमाया, पैसा वापस इंडिया में ला। उसके बाद में नेक्स्ट, गवर्नमेंट रूल्स, जब भी फॉरेन फेमा के अंदर डीलिंग करोगे, फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करोगे, फॉरेन एक्सचेंज में डील करोगे, हमेशा गवर्नमेंट रूल्स से करोगे, ऑथोराइज डीलर के थ्रू करोगे। उसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी या कोई भी डॉक्यूमेंट, उसे फॉरेन एक्सचेंज बोलते। अब बच्चों लास्ट डेफिनेशन आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, तो ये लास्ट वाली। ध्यान से देखें, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। बच्चों इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूंगा, ध्यान से वो कहानी सुनिए। ये है नयनतारा,
ये साउथ की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं और ये हैं मोहित बंसल सर। ये नयनतारा मेरी फ्रेंड है और इनको पता है कि मुझे कंपनी लॉ की नॉलेज है। तो इन्होंने एक दिन मुझसे बोला बोला मोहित, ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड FCCB ये क्या होता है। मैंने इनसे बोला कि यार देखो नयनतारा, इंडिया की कंपनी फॉरेन की करेंसी में पैसा कमाना चाहती और फॉरेन की करेंसी में पैसे कमाने के तरीके भी बहुत सारे होते हैं। उन बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड भी होता है। नयनतारा बोली डिटेल में समझाओ एग्जाम्पल देकर। मैंने उनको बोला कि देखो एक बार की बात है, रिलायंस कंपनी की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साथ में बैठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, बोर्ड मीटिंग टाइप चल रही तो एक डायरेक्टर बोला बोला यार बोर हो गए हम। बोला किस बात से बोर हो गए। बोला यार बोर हो गए, अब रिलायंस कंपनी बड़ी कंपनी है इंडिया में, रिलायंस कंपनी का नाम चलता है इंडिया के अंदर और उसकी बहुत अच्छी गुडविल है, बहुत अच्छी इमेज है, बहुत अच्छी रेस्पेक्ट है रिलायंस कंपनी की इंडिया के अंदर। तो रिलायंस कंपनी इशू लेकर आती है, रिलायंस कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू करती है, क्योंकि कंपनी की गुडविल ज्यादा है तो लोग परचेज कर लेते हैं, कंपनी पैसा कमा लेती है। और ये सालों से चला आ रहा है, इयर्स बहुत सारे टाइम से यही चला आ रहा है, कंपनी इशू ला रही है लोग खरीद रहे हैं पैसा कमा रही है, कंपनी इशू ला रही है लोग खरीद रहे हैं पैसा कमा रही है। बोर हो गए यार, अब तो बोर हो गए, यही चला जा रहा है यही चला जा रहा है, कुछ नया हो तो आया तो आए मजा। बोले मजा तो तब आए जब रिलायंस कंपनी के इक्विटी शेयर्स उनको हम फॉरेन में इशू करें, फॉरेन के लोगों को इशू करें, फॉरेन की करेंसी में इशू करें और फॉरेन की करेंसी में पैसा कमाएं। मजा तो तब आए, समझ रहे इस चीज को। तो बच्चों इसी तरह से इंडिया की कंपनी अपनी इक्विटी शेयर्स को फॉरेन के अंदर जाकर फॉरेन के लोगों को फॉरेन की करेंसी में इशू करती है अलग-अलग नाम से, कभी उसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोल देते हैं, कभी उसको बॉन्ड बोल देते हैं, क्योंकि बॉन्ड डेट और इक्विटी शेयर्स का मिक्सचर होता है। आपको मैं बहुत डिटेल में बच्चों इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि आप CMA के स्टूडेंट हो, अगर आप CS कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहे होते फिर तो आपको एक सब्जेक्ट इसके बारे में अलग से पढ़ना पड़ता, पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता, पर आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बहुत इंटरनल नहीं जा रहा, वैसे इतना बड़ा कोर्स है। तो क्या होता है बच्चों की कंपनीज को जब फॉरेन करेंसी में पैसा कमाना होता है तो वो अपने इक्विटी शेयर्स को फॉरेन के अंदर फॉरेन के लोगों को फॉरेन करेंसी में इशू करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इशू करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए इशू कर दिया, तो 5 साल के लिए इशू हो गया ना, 5 साल बाद वो मैच्योर हो जाएगा, तो जिस भी बंदे ने खरीदा था उसको ऑप्शन दे देंगे हम, नाम में क्या है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। सपोज करिए कि ब्रैड पिट ने खरीदा था, ब्रैड पिट एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर है ना, ब्रैड पिट ने खरीदा था इक्विटी शेयर्स इंडिया के, तो 5 साल के लिए खरीदे थे, अब 5 साल बाद में जब ये मैच्योर होंगे तो ब्रैड पिट के पास में ऑप्शन होगा कि अगर वो चाहे तो जितने रुपए के उसने ये बॉन्ड खरीदे थे वो रुपया वापस ले ले, या फिर उतने रुपए के हमसे इक्विटी शेयर्स ले, समझ रहे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। आप इतना समझ लीजिए ये जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है ये एक तरह की सिक्योरिटी होती है, एक तरह की सिक्योरिटीज होती हैं जिनको इंडिया की कंपनी इशू करती है, फॉरेन की करेंसी में इशू करती है, फॉरेन के लोगों को इशू करती है और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इशू किया जाता है, उसके बाद में ये मैच्योर हो जाते हैं और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो सामने वाले के पास में ऑप्शन होता है कन्वर्ट करने का, अगर वो चाहे तो अपना पैसा वापस ले ले या फिर उतने अमाउंट के इक्विटी शेयर्स ले। तो बच्चों इस कहानी से आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी, ये मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा हुआ है, देखो
इंडियन कंपनी चाहे तो अपने इक्विटी शेयर्स को फॉरेन कंट्री में, फॉरेन करेंसी में, फॉरेन के लोगों को इश्यू कर सकती है डिपॉजिटरी रिसिप्ट की तरह, या फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, या और एक और होते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, उनके लिए भी कर सकती है। तो यहां तक आपको समझ में आए। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर की डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली है। आ रही बात समझ में? नोट्स के लिए मैंने आपको बताया, अगर आपने क्लासेस परचेज की हुई है तो आपके पास में मेरी बुक्स ऑलरेडी पहुंची चुकी है, और अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो इस चैप्टर के फ्री नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। कहां पर? हमारे ऐप पर। ऐप को डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, या चाहे तो आप डायरेक्टली प्ले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टाइप कर दें मोहित बंसल क्लासेस, इस ये लोगो आ जाएगा, वो डाउनलोड कर। बच्चों अगर क्लासेस परचेज करनी है आपको तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां से भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, या गूगल ड्राइव पर भी परचेज कर सकते हैं इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके। बहुत ही नॉमिनल फीस में हमारी क्लासेस आपको मिलती है, प्लस आपको नोट्स मिलते हैं घर पे, आपके नोट्स डिलीवर हो जाते हैं 7 डेज के अंदर ऑल ओवर इंडिया, प्लस एमसीक्यूज भी कराए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज के क्लासेस और नोट्स भी आपको साथ में दिए जाते हैं। अनलिमिटेड व्यूज के लिए आपको अनलिमिटेड व्यूज के साथ क्लासेस मिलती है। तो अगर आप क्लासेस लेना चाहें तो डायरेक्टली हमारे ऐप पे ले सकते हैं या इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। हमारी फीस सबसे ज्यादा नॉमिनल रहती है। चलिए बच्चों मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।